हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के बारे में, वीवो V11, V11 प्रो के बारे में हम बात करेंगे। एंड्रॉयड 10 फंडामेंटल 10 का अपडेट चाइना में रोल आउट होना स्टार्ट हो गया, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं वीवो V11 प्रो के बारे में। कब तक इंडिया में रोल आउट होगा तो सब कुछ मैं बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को सब कुछ बता सकूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास नया लिस्ट निकल के आ चुका है 5 जून का, तो मैं आप लोग को चल के दिखा देता हूँ इस अपडेट में क्या है, चाइना में क्या अपडेट मिला है, सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। इंडिया में कब तक रोल आउट होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग को देखने को मिल जाता है वीवो X21S, B11, B11 प्रो एंड फंडामेंटल 10 अपडेट, एंड्रॉयड 10। नीचे आप लोग को देखने को मिल जाता है 5 जून 2020 का अपडेट है रोल आउट। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है वीवो B11 का फ़ोन। नीचे आप लोग को देखने को मिल जाता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव किया गया, नीचे कन्फ्रेंस वगैरह इंप्रूव किया गया है। और चलते हैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके, तो आप लोग को दिखा देता हूँ इसमें और क्या किया गया। बेटर वर्किंग प्लीज़, यहाँ पे और बात करते हैं, अपडेट सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ इसमें इंप्रूव किया गया है। और यहाँ पे नीचे चलते हैं और क्या इसमें दिया गया, मैं आप लोग को चल के दिखाऊंगा अपडेट क्या मिला है चाइना में, तो मैं आप लोग को सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे वीवो B11 फ़ोन भी आप लोग को देखने को मिल जाता है, और ऊपर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं आप लोग को बताया, अपडेट एंड सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ वीवो एंड वगैरह सब कुछ इसमें इंप्रूव किया गया है। और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है, जैसे कि फ़ोन वीवो का जो वीवो B11 प्रो है उसका, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है अपडेट जो मिला है फंडामेंटल OS, इसका पुराना वर्जन मिल जाता है 6.11.0 का, जो न्यू वर्जन रोल आउट हुआ है एंड्रॉयड 10 का तो 7.0.6 का, 3.6 GB का आप लोग को देखने को मिल जाता है फंडामेंटल OS 10 फीचर अपडेट। तो उससे यहाँ पर फीचर, बहुत सारे फीचर इसमें इंप्रूव किया गया है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा। और बात करते हैं वीवो B11 फ़ोन जो है कि वीवो X21S का वेरिएंट है दोस्तों, जैसे कि वो चाइना में लॉन्च किया गया था, अब वीवो B11 इंडिया में। तो इंडिया में कब तक अपडेट देखने को मिलेगा मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है फंडामेंटल OS 10, और यहाँ पे आप लोग को नीचे मिल जाता है वीवो B11 प्रो इन इंडिया। तो वीवो B11 प्रो में इंडिया में अपडेट आप लोग को जल्दी ही फ़ोन में देखने को मिलेगा। आप लोग को पास अगर वीवो B11 प्रो फ़ोन है तो आप लोग को फ़ोन में ज़रूर देखने को मिलेगा। नीचे अपडेट जो भी वगैरह सब कुछ इसमें इंप्रूव किया जाएगा, न्यू लॉक स्क्रीन इसमें भी इसमें इंप्रूव किया जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल जाएगा फंडामेंटल OS, जैसे कि इसमें पहले एंड्रॉयड 9 का अपडेट मिला था, फिर इसमें एंड्रॉयड 10 का भी अपडेट देखने को मिलेगा आपके फ़ोन में जल्द ही। आपके पास अगर वीवो B11 प्रो फ़ोन है तो ज़रूर देखने को मिलेगा, लास्ट जून तक आपके फ़ोन में अपडेट देखने को कन्फर्म है मिलेगा। तो इसी तरह से आप लोग भी वेट कर लीजिए, अगर आपके फ़ोन में अपडेट आएगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन खुद पे खुद मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे बात करते हैं तो फंडामेंटल OS वीवो B11, वीवो B11 एंड्रॉयड 10, B11 प्रो, तो यहाँ पे इसमें कन्फर्म है कि अपडेट आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएगा वीवो B11 प्रो में 11 में। तो इसी तरह से आप लोग भी वेट कर लीजिए, अगर आपके पास वीवो B11 प्रो फ़ोन है तो आप लोग के फ़ोन में देखने को कन्फर्म है एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिल जाएगा। और नीचे जो बताया कि जो भी वगैरह सब कुछ इसमें इंप्रूव किया जाएगा, बात करते हैं जैसे कि वीवो का X21S जो फ़ोन है वो चाइनीज़ ब्रांड है, तो उसमें देखने को मिल चुका है, तो वीवो B11 प्रो में भी आपके फ़ोन में देखने को कन्फर्म है अपडेट इंडिया में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं अगर आपके फ़ोन में अपडेट आएगा तो कैसे अपडेट करना है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले क्या करना, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है स्क्रॉल डाउन करके नीचे सिस्टम अपडेट में, सिस्टम अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग को जाने के बाद यहाँ पे आपका अपडेट रोल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर अपडेट आ जाएगा तो आप लोग अपने फ़ोन को बैकअप ले लेना है, और वाईफाई से अपडेट करेंगे तो बेटर होगा। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो अपने मोबाइल के नेटवर्क से अपडेट करेंगे, लेकिन वाईफाई से बेटर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।